देश भर में कोरोना महामारी के कारण अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर भगवान बनकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन 11 दिसंबर को देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया, जिसकी तस्वीर भी आज देखने को मिली। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश भर में डॉक्टरों के स्ट्राइक का ऐलान किया। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। क्या है हड़ताल की वजह? दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के एक फैसले के विरोध में इस एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी है, जिसका विरोध आईएमए कर रही है। इसी विरोध को लेकर आज डॉक्टरों ने बंद बुलाया। देशव्यापी हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं बंद रही। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सरकार जो कर रही है उससे आगे आने वाले समय में डॉक्टरों को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति देने से इनकार मिश्रित पैथी को जन्म दे रही है। इससे आने वाले दिनों में चिकित्सा पेशा भी खतरे में पड़ सकता है। सरकार को तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए। सर आज देशव्यापी हड़ताल है, पहले तो सर ये लोगों को समझा दीजिए कि किस लिए हड़ताल आपने ऐलान किया था और किस कितने दिन की हड़ताल है। मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर मनीष टंडन, और आज हमारे आईएमए ने पूरे देश में जो नया मेडिकल अमेंडमेंट बिल आया है, जिसमें कि आयुष डॉक्टरों को 6 महीने से 2 साल का ब्रिज कोर्स करा करके एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष सर्जरी और मेडिकल के इलाज की सुविधा सरकार देने जा रही है, उसके हम लोग ने विरोध में पूरे देश में इलाज के ये हड़ताल आह्वान की है। और हमारा इसमें ये प्रश्न है कि एक जो दोनों पैथी अलग अलग हैं, उन दोनों को एक में मिक्सोपैथी करके इलाज न कराया जाए, इससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, जो कि अच्छा नहीं है। सर हड़ताल कितने दिनों की है? अभी तो हम लोग ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक मेडिकल जो रूटीन सर्विसेज बंद करी हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, और इसमें कोविड के इलाज को नहीं रखा गया है। और अभी फिलहाल तो हम लोग का आज का एक दिन का प्रदर्शन है, उसके बाद जैसा आईएमए हेडक्वार्टर से निर्देश आएंगे हम लोग आगे करेंगे। क्या प्राइवेट अस्पतालों के साथ डायग्नोस्टिक सभी सब आज पूरा ही प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी में भी हम लोग ने जितना भी एसेंशियल सर्विस छोड़ के सब बंद किया हुआ है। तो आपने सुना डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, लेकिन आज पूरे दिन अस्पतालों में क्या कुछ बंद रहा वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रही। क्लिनिकल डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रही, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रही। कौन सी सर्विस आज रही बंद? डॉक्टरों ने आज के बंद के दौरान आईसीयू और सीसीयू जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा कोविड सेवाओं को जारी रखने का फैसला किया। गैर जरूरी सेवाएं आज बंद रही। ओपीडी सर्विस सरकारी अस्पतालों में जारी रही। निजी अस्पतालों में भी ओपीडी बंद रही। सभी सरकारी अस्पताल खुले रहे, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ कोविड और इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रही। तो एक तरफ देश में किसान सड़क पर संग्राम जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिली। खैर, डॉक्टरों ने एक दिवसीय हड़ताल की है, लेकिन डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो डॉक्टरों की हड़ताल बड़े स्तर पर होगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़।